क्रांति की शुरुआत जो है वो 200 से तक नहीं होती है, क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर गीतेन सिंह और बेटा हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम जिस हिस्से में अभी हैं वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम पढ़ रहे हैं। और पिछले 4 लेक्चर में हम काफी कुछ समझ चुके हैं, किडनी किस तरह की होती है, ठीक है, वासा रेक्टा क्या होता है, ठीक है ना, कॉलम्स ऑफ वर्टीन क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपको एक एक स्ट्रक्चर विजुलाइज कराने की कोशिश की है। अच्छा बताइए, आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, एकदम साफ साफ बताना बेटा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये ऐसा फील होना चाहिए आपको कि आप यू नो एवरीथिंग अबाउट योर बॉडी, ठीक है ना। चलिए, तो आज का जो लेक्चर है ना उसमें हम बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा कवर करने वाले हैं। ये वो हिस्सा है कई बार मेडिकल कॉलेज में भी बच्चा नहीं समझ पाता, ठीक है। हमने इसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके समझाने की कोशिश की बेटा, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन जो सबसे टफ पोर्शन में से एक होता है, कई बार टीचर इसको स्किप भी कर जाते हैं, वो है काउंटर करंट मैकेनिज्म। आज हम बात करेंगे कि क्या जो है लूप ऑफ हेनले का क्या रोल होता है, वासा रेक्टा क्या रोल प्ले करता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है, एंड कैसे फिल्ट्रेशन जो है वो किस प्रकार से जो है हमारी यूरिन के दौरान जो कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन होता है उसका कैसे जो है वो यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस में ये रोल प्ले करता है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है आज उसको हम देखेंगे। तो पहले बड़े ध्यान से एकदम अटेंटिव होके बेटा लेक्चर को सुनिएगा, समझिएगा, और उसके बाद फिर हम कुछ एमसीक्यू लगाएंगे। हाँ, आज हम जो एमसीक्यू लगाएंगे वो उतने कठिन एमसीक्यू नहीं होंगे जो आज हम एग्जाम वाले एमसीक्यू लगाएंगे, लेकिन अगली क्लास में जो हम एमसीक्यू लगाएंगे ना वो काउंटर करंट मैकेनिज्म और यूरिन फॉर्मेशन के ऊपर लगाएंगे। आज हम जो है वो आपको थोड़ा लिबर्टी देंगे ताकि आप लेक्चर पढ़ने के बाद अपने नोट्स पे एक बार रिवाइज कर लें, और अगली क्लास में फिर हम आपसे एमसीक्यू पूछेंगे और हम लोग साथ मिलकर कुछ अच्छे 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 लेवल के टफ वाले एमसीक्यू को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये जो असाइन लेक्चर है बेटा, बेसिकली इनका पर्पस यही है कि थोड़ा सा कोर्स को स्पीड अप कर सके, क्योंकि यदि मैं फिर से रिकॉर्ड करूंगा तो थोड़ा मुझे टाइम लग जाएगा उसमें। तो अभी फिलहाल हम चाहते हैं कोर्स थोड़ा स्पीड अप हो, जल्दी पूरा हो अपना, और इस समय हमारी प्रायोरिटी है कि हमारे को जो टाइम फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग कोर्स को पूरा भी करना है हमको, और हमको चीजों को अच्छे से समझना भी बेटा। तो हम एमसीक्यू पर फोकस करते हैं फिलहाल, के लेक्चर सुनते हैं, एमसीक्यू लगाते हैं, और हमसे सारे क्वेश्चन बेटा एग्जाम में बनना चाहिए, समझ गए ना, ये हमारा फाइनल पर्पज है। काम करते हैं, पहले लेक्चर देखते हैं फिर एमसीक्यू पर लौट के आते हैं। ये सपने नहीं आग है, ये सपने नहीं आग है, ये सिर्फ वादे नहीं इरादे हैं, ये सिर्फ वादे नहीं इरादे हैं। अब तो बस मन में ठान लिया है, अब तो बस मन में ठान लिया है, जीत को ही अपना मुकाम मान लिया है। कमांडोज, तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक्सक्रीट सिस्टम में आगे। पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, किडनी का पूरा स्ट्रक्चर देखा हमने, और बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द काउंटर करंट मैकेनिज्म। दरअसल पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी वो थी कि आपको किडनी का स्ट्रक्चर एकदम दिमाग में रहना चाहिए कि चलिए, लेकिन आपने कितना याद रखा है, कितना आपने रिटेन किया, उसके लिए सबसे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा और आप उनके आंसर करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कि आपको बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलम ऑफ वर्टीन, कॉलम ऑफ वर्टीन क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलम ऑफ वर्टीन, कॉलम ऑफ वर्टीन का मतलब क्या होता है, कि वर्टिनीज कॉलम क्या होते हैं, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको बतलाना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वासा रेक्टा एंड ग्लोमेरुलस, इसका मतलब क्या है, वासा रेक्टा क्या होता है, ग्लोमेरुलस क्या होता है, आपको बताना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो है, देखो हम ये इसलिए रिकॉल कर रहे थे कि किडनी का स्ट्रक्चर याद रहे, के तीसरा क्वेश्चन ये है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीनल पैल्विस, रीनल पैल्विस का मतलब क्या होता है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीनल पैल्विस, के एंड व्हिच स्ट्रक्चर इज नोन एज हाइलस इन, हाइलस और हाइलम इन किडनी, किस स्ट्रक्चर को हम किडनी में हाइलस या हाइलम कहते हैं। तो कॉलम ऑफ वर्टीन क्या है, वासा रेक्टा और ग्लोमेरुलस क्या है, रीनल पैल्विस क्या होता है, किस स्ट्रक्चर को हम हाइलम या हाइलस कहते हैं किडनी के अंदर, आपको बतलाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर का क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे मैं, आपको बतलाना है कि यूरिन फॉर्मेशन में,
यूरिन फॉर्मेशन में, यूरिन के निर्माण में, यूरिन के फॉर्मेशन में जो तीन प्रक्रियाएं, जो तीन प्रोसेस होती हैं, उनको आपको सीक्वेंस से बतलाना है। क्या प्लीज के अटेंशन दीजिए, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपसे कि यूरिन के निर्माण में, यूरिन के फॉर्मेशन में जो तीन प्रक्रियाएं क्रम से होती हैं, उनको सही सीक्वेंस में बतलाइए कि कौन सी प्रोसेस किस क्रम के बाद में होती है। क्लियर? और आपको यह बतलाना है इसमें, दिस प्रोसेसेस, प्रोसेस का सीक्वेंस आपको बतलाना है, एंड द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के किस भाग में होती है यह भी बतलाना है। ठीक है ना? क्लियर? मैं नाम नहीं लूंगा, आपको बताना है चीजें। ठीक है, चलिए। तो ये तो हो गए क्वेश्चन आज के लेक्चर शुरू करने के पहले वाले। ठीक है, और बिल्कुल अटेंटिव, ह्यूमन फिजियोलॉजी को एकदम अटेंटिव होकर सुनना है, पढ़ना है, समझना है, क्योंकि मेडिकल में भी ये काम आएगा। ठीक है, और मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपसे बोला हूं कि अभी लेक्चर के शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि ये सपने नहीं आग है, ठीक है, ये सपने नहीं आग है, ये सिर्फ वादे नहीं इरादे हैं। अब तो बस मन में ठान लिया है और जीत को ही अपना मुकाम मान लिया है, मतलब मेडिकल कॉलेज तक तो पहुंचना तय है हमारा। ठीक है, इसके लिए हमको पूरी कोशिश करनी है, शिद्दत से, जो अब तक नहीं हुआ है वो अब होगा बेटा। ठीक है, चलिए, तो एक काम करते हैं, फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा था नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम जानते हैं, तो हमने कहा था नेफ्रॉन में कि एफरेंट आर्टेरियोल जो ब्लड को लेके आती है, वहां से रिनल आर्टरी का एक हिस्सा होती है, इफरेंट आर्टेरियोल जो ब्लड को लेके बाहर निकलती है, ग्लोमेरुलस कैपिलरी का एक नेटवर्क होता है जो बोमन कैप्सूल के अंदर होता है। आपको बताना है कि ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल को मिलाकर एक साथ हम क्या कहते हैं। ठीक है, अगेन एक क्वेश्चन, मैं बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपसे, मैं बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा और आपको सबके उत्तर बतलाने हैं, नहीं तो कान पकड़ के ऐसे मोड़ूंगा। ठीक है ना? हाँ, टेक्नोलॉजी आ गया ना, उस दिन जो है बहुत पिटेंगे आप सब लोग यदि आंसर नहीं किया था ना। चलिए, ठीक है, इसको सीरियसली मत लेना कि सर पीटने की बातें करने लगे अब तो, है ठीक है, प्यार है मेरा आपसे ये। और अब आपको बताना है, देखिए, अब हमने देखा कि ग्लोमेरुलस और वोमन कैप्सूल को मिलाकर क्या कहते हैं, ये बतलाना है। फिर हमने देखा पीसीटी क्या होता है, डीसीटी क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है, वासा रेक्टा क्या होता है, हैंडलेस लूप, डिसेंडिंग लूप क्या होता है, असेंडिंग लूप होता है, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर यूरिन फॉर्मेशन हमने देखा था कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस के अंदर होता है, ठीक है, बोमन कैप्सूल के और ग्लोमेरुलस के बीच में होता है, देन ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, देन ट्यूबुलर सीक्रेशन, इसको भी देखा हमने। तो पिछली क्लास में मैंने आपको यूरिन फॉर्मेशन की पूरी प्रोसेस को डिटेल में पढ़ाया था मैंने आपको, और बेटा उसको ध्यान रखना, कभी भूलना नहीं उसको। क्लियर? ठीक। फिर हमने देखा था किस प्रकार से, देखो तो मैंने अपने कहा था कैसे फिल्टर बनता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, ठीक है, इस पर हमने बात की थी हमने। ठीक है, और हमने देखा था कि पीसीटी में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द रीअब्सॉर्प्शन पीसीटी के अंदर होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द सीक्रेशन जो है वो डीसीटी के थ्रू होता है, और फिल्ट्रेशन किससे होता है, वो ग्लोमेरुलस के और बोमन कैप्सूल के बीच में होता है, के मल्पिजियन कैप्सूल में होता है। ठीक है, क्लियर? देखिए, एनसीईआरटी का ये वाला इमेज इंपॉर्टेंट इमेज था, इसको भी हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। ठीक है, क्लियर? चलिए, आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट के, कि जो यूरिन है उस यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कैसे करते हैं। देखो, यूरिन कैसे फॉर्म हुआ हम समझ गए, हमने देखा सबसे पहले कि सबसे पहले तो हुआ फिल्ट्रेशन, हमने कहा ग्लोमेरुलस ने जो है वो ब्लड को फिल्टर किया, और याद रखिए कि मैंने आपको कहा था जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है देयर आर थ्री मेंब्रेन्स इन्वॉल्व, तीन मेंब्रेन इन्वॉल्व होती है, एक तो कैपिलरी की अपनी एंडोथेलियम इन्वॉल्व होती है, दूसरा बेसमेंट मेंब्रेन इन्वॉल्व होती है, और तीसरा बोमन कैप्सूल की इपिथेलियल सेल इन्वॉल्व होती है, जिनको हम पोडोसाइट सेल्स कहते हैं, बारीक बारीक स्लिट्स होते हैं उनके बीच में, याद है आपको, के फिल्ट्रेशन स्लिट्स कहते हैं। तो ये देखा हमने, तो हमने कहा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आप ब्लड के कैप्सूल को छोड़ दीजिए, आप उसके अंदर ब्लड के अंदर प्रेजेंट आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सेल्स को छोड़ दीजिए, और आप प्लाज्मा के मेजर प्रोटीन को छोड़ दीजिए, तो अमाइनो एसिड हुए, ग्लूकोज हुए, सॉल्ट हुए, बाकी रेस्ट ऑफ द प्लाज्मा हुआ, वो सब कुछ कहां आता है, वो फिल्ट्रेशन में आता है। और मैंने आपको कहा था एक दिन में 180 लीटर जो है वो फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, लेकिन यूरिन तो बहुत कम निकलती है, मतलब यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, जो एक्स्ट्रा फ्लूड बाहर निकलगा उसको वापस से रिक्लेम करना पड़ता है, इसीलिए जो है पीसीटी मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कैसे करते हैं, यानी हमको मालूम है कि यूरिया को बाहर निकालना है तो वी नीड वाटर, के तो यूरिन जो है वो वाटर के फॉर्म में होगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में होगा, कैसे होगा, कॉन्सेंट्रेट फॉर्म होगा। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। क्या देखिए,
मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन के इंटरेस्टिंग बात है के याद रखना लूप ऑफ हैनले जो है मैमल्स की किडनी का एक यूनिक फीचर में से एक है के लूप ऑफ हैनले जो है वो मैमल्स की किडनी का एक यूनिक फीचर में से एक है और जो लूप ऑफ हैनले है दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द यूरिन के यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने में इन द प्रोसेस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन और टू मेक द कॉन्सेंट्रेट यूरिन उसमें लूप ऑफ हैनले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और लूप ऑफ हैनले का जो इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा वो कहां होता है अब देखो लूप ऑफ हैनले कहां से कहां इंटर करता है हमको मालूम है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन भूले तो नहीं ना भूले तो पिटाई लगेगी के भूलना नहीं के जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन क्या होते हैं ऐसे नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स में जिनका आप देखते हैं ग्लोमुलस कॉर्टेक्स में होता है बोमन कैप्सूल कॉर्टेक्स होता है लेकिन लूप ऑफ हैनले जो है वो मेडुला में डीप सीटेड अंदर तक आता है के और व्हाई मेडुला इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मेडुला में जो है वो मेडुला आपकी में जो टिश्यू होता है उसको हम इंटरस्टिशियम कहते हैं तो मेडुला के अंदर जो इंटरस्टिशियम टिश्यू होता है जो टिश्यू सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो यूरिया और सोडियम क्लोराइड कारण वो हाई कॉन्सेंट्रेट वाली होती है के तो वो जैसे ही लूप ऑफ हैनले में ब्लड अंदर सप्लाई लूप ऑफ हैनले में फिल्ट्रेट आता है तो उस फिल्ट्रेट से जो है वो वाटर को ले ली निकाल ले वाटर को बाहर निकाल लिया जाता है के चूंकि मेडुला के डीप सीटेड पोर्शन में हाई कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो वाटर बाहर निकलेगा के और हमको मालूम है डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हैनले का नीचे आता हुआ जो हिस्सा होता है वो वाटर के लिए परमेबल होता है और उसमें बड़ी संख्या में एक्वापोरिन्स पाए जाते हैं उसमें जो वाटर को बाहर निकलने में हेल्प करते हैं क्लियर याद है ना जबकि असेंडिंग लिम जो लूप ऑफ हैनले का होता है वो वाटर के लिए इम्परमेबल होता है वाटर उसके आर पार नहीं निकल सकता है क्योंकि उसमें एक्वापोरिन्स नहीं होते व्हाट इज एक्वापोरिन साइटोलॉजी में पढ़ा हुआ है हमने कि पोर होते हैं जिनके थ्रू वाटर मॉलिक्यूल आर पार निकल पाता है ये प्रोटीन चैनल होते हैं जिनके थ्रू वाटर मॉलिक्यूल आर पार निकलता है ठीक है ना पीटर अग्रे नाम के साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था ठीक है तो मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए कॉन्सेंट्रेट यूरिन ठीक है द लूप ऑफ हैनले एंड वासा रेक्टा प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन दिस के याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के एंड यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने में सबसे सिग्निफिकेंट रोल होता है लूप ऑफ हैनले का और वासा रेक्टा का रोल होता है ठीक है द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन टू लिम्स ऑफ लूप ऑफ हैनले इज इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दिस दस फॉर्म ए काउंटर करंट के बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि व्हाई इट इज कॉल्ड नोन एज दी जो यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने का प्रोसेस है उसको लोग बड़ा भयंकर समझते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म भगवान जाने क्या चीज ऐसा सोचते हैं जबकि एक्चुअली कुछ है नहीं काउंटर करंट मतलब है कि दोनों का प्रवाह अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है देखिए सिंपल सी बात है के सुनो के सिंपल फंडा बेटा ये है कि ये लूप ऑफ हैनले है के इसका ये डिसेंडिंग लिम है इसका डिसेंडिंग लिम है ठीक है ये इसका असेंडिंग लिम है ठीक है हम समझने के लिए हमने कहा ये असेंडिंग लिम है ठीक है क्लियर जब लूप ऑफ हैनले में फिल्ट्रेट क्या हुआ ये डिसेंडिंग लिम है फिल्ट्रेट यहां आया यहां से यहां मूव किया देन इसके बाद ये ऊपर की मूव करके देख रहे हैं आप एक डायरेक्शन है नीचे की ओर एक डायरेक्शन है ऊपर की ओर के अपोजिट डायरेक्शन हो गया और इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ डायरेक्शन ओनली केवल डायरेक्शन छोड़ दीजिए आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जैसे फिल्ट्रेट नीचे की ओर जैसे लूप ऑफ हैनले में जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे की ओर आता जाता है इट बिकम्स मोर एंड मोर कॉन्सेंट्रेट ये अधिक से अधिक कॉन्सेंट्रेट होने लगता है वाई इट बिकम्स मोर एंड मोर कॉन्सेंट्रेट क्योंकि हमने पढ़ा है अच्छे से और मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले इज परमेबल फॉर वाटर ओनली ये वाटर के लिए परमेबल होती है और इससे वाटर अधिक मात्रा में जो भी आएगा तो क्या होगा इससे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा मैंने कहा इससे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकलेगा ठीक है इससे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा लगातार वाटर मॉलिक्यूल से बाहर निकलेगा ठीक है क्योंकि डिसेंडिंग लिम लूप ऑफ हैनले वाटर के लिए परमेबल होती है तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा जब एक फिल्ट्रेट में से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो क्या रह जाएगा मोस्टली उसके अंदर सॉल्यूट रह जाएगा और मोस्टली सॉल्यूट उस फिल्ट्रेट के अंदर धीमे धीमे चूंकि वाटर बाहर निकाल रहे हो और सॉल्यूट एज इट इज प्रेजेंट है तो कॉन्सेंट्रेशन उसका बढ़ने लगेगा मतलब यह है कि डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हैनले में फिल्ट्रेट के इंटर होने के बाद लगातार फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा होता है तो मैंने कहा फिल्ट्रेट का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन यहां पर दिखाई पड़ा हमें ठीक है अब असेंडिंग लिम में गए सुनिए बात अच्छे से एकदम अटेंटिव होकर सुनोगे बेटा मेरे साथ इमेजिन करोगे समझ में आएगा नहीं तो लगेगा कि ये तो बोल के चला गया सर तो ठीक है टीचर तो बोल के चला गया हमको समझ में कुछ नहीं आया है ना ठीक तो इसलिए ऐसा मत सोचो कि आप सबसे इंटेलिजेंट है आप सब समझ लेंगे के मुझे मालूम है के अब देखो बेटा जैसे जैसे नीचे चीजें फिल्ट्रेट आया तो केवल वाटर उसका बाहर निकाल रहे हो अब केवल अरे कैसी वाली बात है चलो केवल वाटर बाहर निकालने को समझते हैं एक बर्तन के भगोने में हमने बड़ी वाली गंजी में हमने जो है वो पानी लिया
शक्कर डाल दी हमने, पानी को उबालना शुरू किया, उबालना शुरू किया, बॉइल हो रहा है, बॉइल हो रहा है, वेपर्स निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, वाटर, वेपर्स क्या, वाटर बाहर निकल रहा है, धीमे धीमे चाशनी बन जाएगा और वो गाढ़ा हो जाएगा, वो होगा कि नहीं होगा, क्यों गाढ़ा हुआ वो, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल, वेपर्स हमेशा प्योर होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो धीमे धीमे कम हो रहा था, चाशनी जितनी शक्कर आपने डाली उतनी शक्कर पूरी प्रेजेंट है उसके अंदर, लेकिन वो धीमे धीमे गाढ़ा हो गया क्योंकि वो वाटर बाहर निकल गया, है ना। इमेजिन करते हैं हमारे लूप ऑफ हैनले के अंदर भी जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे की ओर आ रहा है ना डिसेंडिंग लिम्ब से, वैसे वैसे वाटर बाहर निकल रहा है, इमेजिन करते वाटर बाहर निकल रहा है, धीमे धीमे अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगा है ना, क्लियर। अब एक बात तो ये, डिसेंडिंग लिम्ब में ऊपर से नीचे की ओर आने पर फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, लेकिन असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है, अब असेंडिंग लिम्ब ऊपर गए तो वाटर बाहर निकलना बंद हो गया, असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हैनले, असेंडिंग मतलब असेंड करने वाला ऊपर की ओर जाने वाला, तो जो असेंडिंग लिम्ब है हम इसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं टटके, तो इसमें क्या हुआ, इसमें वाटर का बाहर निकलना बंद हो गया, पहले सुनो समझो फिर पढ़ेंगे एनसीईआरटी में क्या लिखा, टटके वाटर का बाहर निकलना बंद हो गया, अब क्या बाहर निकला, यहां से पहले पैसिवली सोडियम क्लोराइड बाहर निकला, यहां से सॉल्ट बाहर निकला, ठीक है, सॉल्ट बाहर निकला, फिर एक्टिवली सॉल्ट को बाहर निकाला गया, कुल मिलाकर सॉल्ट, अब क्या कर रहे हो आप जो गाढ़ा हो गया था, जो फिल्ट्रेट गाढ़ा हो गया था, उसमें से आप सॉल्ट को बाहर निकाल रहे हो, सॉल्ट को बाहर निकाल रहे हो, सॉल्ट को बाहर निकाल रहे हो, उससे क्या होगा, फिल्ट्रेट फिर से लेस कॉन्सेंट्रेशन का हो जाएगा, फिर से कौन, अभी देखो पहले वाटर निकाल लिया, फिर सॉल्ट निकाल लिया, तो उससे क्या हुआ कि फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन धीमे धीमे नीचे ऊपर जा रहे हैं, कम होने लगा हो, मतलब लूप ऑफ हैनले कितना इंटरेस्टिंग काम कर रहा है, एक तरफ डिसेंडिंग लिम्ब में लगातार फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट हो रहा है और असेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट जो है वो डाइल्यूट हो रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह, जब फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट हो रहा था तो वाटर को रिक्लेम कर, वाटर को बाहर निकाल लिया गया, वासा रेक्टा में डाल दिया गया, वाटर वापस लौट गया, ठीक है, और जब फिल्ट्रेट को हमने डाइल्यूट किया तो अभी वाटर का काम खत्म, वाटर का रोल खत्म, वाटर उतना ही रहेगा प्रेजेंट जितना प्रेजेंट है उसके अंदर जो फिल्ट्रेट में, लेकिन सॉल्ट को बाहर निकाल रहे, अब सॉल्ट को बाहर निकाल रहे के, है ना, डाइल्यूट किया हमने इसको, तो दोनों लूप ऑफ हैनले के दोनों लिम्ब में प्रोसेस डायरेक्शन भी अपोजिट है और कॉन्सेंट्रेशन भी अपोजिट चल रहा है, हाँ दोनों में, एक में कॉन्सेंट्रेशन नीचे की ओर लगातार बढ़ रहा है और एक में नीचे से ऊपर जाने पर घट रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये काउंटर करंट, यानी दोनों में एक तो फिल्ट्रेट के आने पर लगातार कॉन्सेंट्रेट फिल्ट्रेट हो रहा है और एक तो फिल्ट्रेट डाइल्यूट हो रहा है, तो ये अपोजिट प्रोसेस होगी, इसलिए काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं इसको, ठीक है। अब ध्यान से सुनो बात, ओके, मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए कॉन्सेंट्रेट यूरिन, द लूप ऑफ हैनलेस लूप एंड वासा रेक्टा प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन दिस, द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्ब्स ऑफ द लूप हैनलेस लूप इज इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दस फॉर्म द काउंटर करंट, ठीक है, क्लियर। द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा इज ऑल्सो इन द काउंटर करंट पैटर्न के, अब सिंपल सी बात है, वासा रेक्टा जो होता है उसके अंदर भी यही बात है कि उसका भी जो ब्लड का फ्लो है वो पूरी डायरेक्शन में होगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि उसमें भी तो ब्लड वैसे ही बाहर आ रहा है, ठीक है। वासा रेक्टा क्या है, वासा रेक्टा वो कैपिलरी है जो लूप ऑफ हैनले के पैरेलल चलती है, ठीक है, क्लियर, देखिए है ना, क्या हो रहा है बेटा, देखो हो ये रहा है कि ये है आपका डिसेंडिंग लिम्ब, है ना, फिल्ट्रेट, और ये है असेंडिंग लिम्ब के, देखिए क्या लिखा, ध्यान से देखिए, ओके, फिल्ट्रेट इंटरिंग द डिसेंडिंग लिम्ब बिकम्स प्रोग्रेसिवली मोर कॉन्सेंट्रेट एंड एज इट लूजेस वाटर, के जो फिल्ट्रेट लूप ऑफ हैनले के डिसेंडिंग लिम्ब में एंटर करता है, धीमे धीमे वो मोर कॉन्सेंट्रेट होने लगता है क्योंकि वो वाटर को लूज करता है, और ये वाटर जाता कहाँ है, ये वाटर थ्रू दी मेडुलरी इंटरस्टिशियम से होता हुआ ये वासा रेक्टा में आता है और वासा रेक्टा वाटर को रिक्लेम करके ऊपर ले जाती है, देखिए आप ना, तो वासा रेक्टा देखिए वाटर को ये लेके जा रही है पपट के, फिर असेंडिंग लिम्ब पंप आउट सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड, के असेंडिंग लिम्ब जो होता है लूप ऑफ हैनले का, वो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को जो है वो एक्टिवली और पैसिवली दोनों प्रकार से, निचले हिस्से में पैसिवली ऊपरी हिस्से में एक्टिवली उनको बाहर भेजता है और धीमे धीमे ये फिल्ट्रेट को हाइपो ऑस्मोटिक करता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन ये कम करने लगता है, तो जो सोडियम क्लोराइड पोटेशियम जो भी ये निकालता है वो कहाँ पहुँचता है, अगेन ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम से होता हुआ कहाँ पहुँचता है, वासा रेक्टा में पहुँचता है और ब्लड में चला जाता है, तो देखिए आप ना, तो बकायदा यानी हमने सॉल्ट भी रिक्लेम कर लिए हैं, हमने सॉल्ट जो एसेंशियल सॉल्ट उनको रिक्लेम भी कर लिया है हमने, और हमने क्या किया, हमने वाटर भी निकाल लिया, तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द वाटर को हमने पीसीटी के अलावा यहां भी रिक्लेम किया है, ठीक है, तो देख रहे हैं आप, है ना, देखिए द प्रॉक्सिमिटी
बिटवीन लूप ऑफ हेनले एंड वासर रेक्टा, अभी देखा है मेजरमेंट के प्रॉक्सिमिटी मतलब पास पास मिनट के, पी फॉर प्रॉक्सिमिटी, पी फॉर पास पास मिनट के, तो मैंने कहा दी प्रॉक्सिमिटी बिटवीन लूप ऑफ हेनलेज लूप एंड वासर रेक्टा एज वेल एज दी काउंटर करेंट इन देम हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ऑस्मोलिटी टुवर्ड्स दी इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। देखिए क्या लिखा है, ये बिल्कुल टेक्निकल है, अब समझिए जो मैंने बताया उसी बात को उन्होंने एक लाइन में लिखा है उसमें। क्या लिखा उन्होंने, लिखा कि लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा दोनों पास पास में होते हैं, दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में जो है काउंटर करंट में जो है फ्लो होता है, इससे क्या फायदा होता है, इससे मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर जो है ऑस्मोलिटी जो है वो लगातार बनी रहती है। मतलब ये है कि कॉर्टेक्स में 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर के आसपास का जो है कॉन्सेंट्रेशन देखने मिलता है हमको, और वही कॉन्सेंट्रेशन मेडुला के अंदरूनी हिस्से में जो है 1200 मिली ऑस्मोल का हो जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि मेडुला के अंदरूनी हिस्से में हाई कॉन्सेंट्रेशन के होने से फायदा क्या है, फायदा क्या है बेटा, कि जैसे जैसे लूप ऑफ हेनले नीचे की ओर जाएगा इट क्लेम मोर एंड मोर वाटर को बाहर निकाल पाएगा, क्योंकि जितना कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस बढ़ेगा उतना वाटर बाहर की ओर निकलेगा, है ना बेटा, के तो मोर क्योंकि वाटर का फ्लो हमेशा लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की होता है, तो मेडुला के अंदर जितना अधिक ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा उतना वाटर को बाहर निकाल पाएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मेडुला के अंदरूनी हिस्से में जो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको कैसे मैनेज करेंगे, तो उसको मैनेज करने में कलेक्टिंग डक्ट भी रोल प्ले करती है। याद करो मैंने कहा था कलेक्टिंग डक्ट कुछ अमाउंट यूरिया का जो है वापस से रीएब्जॉर्ब करती है, मेडुला को भेज दी कि वापस से कहां भेजती है, मेडुला में रिलीज कर दी के, तो कलेक्टिंग डक्ट कुछ अमाउंट जो है यूरिया का मेडुला वाले पोर्शन में छोड़ देती है के। इसके अलावा जो सोडियम क्लोराइड बाहर निकल रहा होता है किससे, जो असेंडिंग लिम से बाहर निकल रहा होता है वो भी मेडुला के अंदर प्रेजेंट होता है, तो मेडुला में सोडियम क्लोराइड के कारण और यूरिया के कारण हाई कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहता है। मेडुला में जितना आप नीचे की ओर जाएंगे उतना अधिक कॉन्सेंट्रेशन आपको देखने मिलेगा, ठीक है, तो लगातार जो है वो कॉर्टेक्स से मेडुला के डीप हिस्से में लगातार कॉन्सेंट से बढ़ता रहता है, और इसका कारण क्या है, इसका कारण है यूरिया और सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, क्लियर, ठीक। एंड दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज बाय द सोडियम क्लोराइड एंड द यूरिया, देखो आ गया एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है ना, ठीक है। तो मेरी बात को समझो बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपसे कि जैसे जैसे आपने आप क्या हुआ कि जैसे अब देखो सिंपल सी बात है, लूप ऑफ हेनले ऐसे आ रहा है और ऐसे आके ऊपर जा रहा है, तो मैंने क्या कहा जैसे जैसे लूप ऑफ हेनले जितना गहरा मेडुला के अंदर जाएगा मेडुला में उसको उतना अधिक जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेट वाले मीडियम का सामना करना पड़ेगा, तो मोर वाटर बाहर निकालेगा उठ के, ठीक। अब मेडुला में ये हाई कॉन्सेंट्रेशन कहां से आया, यूरिया के कारण आया और सोडियम क्लोराइड के कारण आया, ठीक है, क्लियर। देखिए ध्यान से एनसीईआरटी का ही इमेज है, फिगर 19.5, ठीक है। अब एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं आपसे कि कई सारे बच्चे पूरा वीडियो देखते हैं भगवान जाने क्या क्या, और वो तब भी पूछते हैं सर हम की नोट्स, हम जो है वो की नोट्स कहाँ से लें, या हम जो है वो परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट शीट कहाँ से लें, हम ऑनलाइन टेस्ट कहाँ जाके दें, हम DPP कहाँ जाके देखें। तो बेटा आपके आप देखो उसमें नीचे बना हुआ लगातार जो है वो एक लंबा सा पट्टी में लिखा हुआ है कि biomentors.online का, या तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर पर जाके, या आप जो है वो वेबसाइट को एक्सेस कीजिए, आप दोनों चीज़ें अच्छी के और जो है वो, और मैं क्लियर कर दूं कि ये पूरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारे जो बच्चे सब्सक्राइबर है कमांडोज उनके कारण चलता है, और ये उनका अपना ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए बेटा है ना आप में से जो बच्चे ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं DPP सॉल्व करना चाहते हैं, तो मैं ऐसा नहीं कि जरूरी है आपके लिए कि आप यदि हमारी मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए मदद हमारी, और आप अपने लिए भी जो है बेहतर है। देखिए आपको जो जो एक ऑफलाइन कोचिंग मतलब पूरा ऑफरिंग यहाँ पर है आपको, ठीक है, लेकिन मैं चूंकि व्यावसायिक मानसिकता नहीं रखता हूँ इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करता, नहीं बोलता हूँ, मुझे इतना पता है जिन बच्चों को मुझ पर भरोसा है वो हमारे इस यज्ञ में, आपने कहा यज्ञ होता है, यज्ञ में सब लोग घी की आहुति डालते हैं, तो ये एक महायज्ञ है एजुकेशन का, उसमें आप लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन जरूर देंगे। चलिए तो अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम एनसीईआरटी का फिगर 19.5 देख रहे हैं हम, और उसमें देख रहे हैं हम कि जैसे जैसे डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले में देखिए नीचे वाटर आ रहा है, वो फ्लो नीचे आ रहा है, फिल्टरेट नीचे आ रहा है, वैसे वैसे वाटर बाहर निकल रहा है। फिर आप देखिए असेंडिंग थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम का पतला हिस्सा देख रहे हैं आप, देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड बाहर निकल रहा है, और यूरिया देखिए आप, यूरिया जो है कलेक्टिंग डक्ट से निकल के कहां आ रहा है, वो लगातार जो है मेडुला वाले हिस्से में आ रहा है, और उसको बाद में फिर जो है वो कहां भेज रहे हैं उसको, अब उसको वापस देखिए, अब ये बकायदा है, यानी यहां पे यूरिया का फ्लो लगातार बना हुआ है, और एक लेवल से ऊपर होगा तो ये जो है वो आपके असेंडिंग लिम में भी इंटर करेगा इसके। तो हम क्या देख रहे हैं लगातार यूरिया और यानी ये जो यूरिया और सोडियम क्लोराइड जो प्रेजेंट है बेटा, ये मेडुला के हाई कॉन्सेंट्रेशन को ये बनाए रखते हैं, क्लियर, ठीक है। हम
Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of BioMentors. Bye-bye. Continue your lecture. ठीक है, तो अब हम पूरे के पूरे काउंटर करंट मैकेनिज्म को देखो। अब हम वासा रेक्टा को और लूप ऑफ हेनले को हम देख रहे हैं दोनों। देखो देखिए, जैसा जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ये आपका लूप ऑफ हेनले है और ये जो है इसके आसपास का जो है वो मैंने कहा ये वासा रेक्टा के दोनों पास पास में होते हैं और दोनों के बीच ही एक्शन है। जो वाटर बाहर निकलता है वो वासा रेक्टा में जाता है, जो सॉल्ट बाहर निकलते हैं बेसिकली वो वासा रेक्टा में जाते हैं। जो सॉल्ट सीक्रेट होते हैं वासा रेक्टा से यहां सीक्रेट होते हैं उठ के। तो कुल मिलाकर बात ये है कि वासा रेक्टा ब्लड कैपिलरी का एक सप्लाई है जो बकायदा लूप ऑफ के पैरेलल गया हुआ है। दोनों में हम देखते हैं। अब देखिए जांच के, आप देख रहे हैं इमेज में, आप देख रहे हैं कि फिल्ट्रेट पीसीटी से होता हुआ लूप ऑफ हेनले में एंटर किया। आप देखिए कि कॉर्टेक्स वाले हिस्से में, कॉर्टेक्स वाले हिस्से में जो है वो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर के आसपास का कॉन्सेंट्रेशन है। जब वो लूप ऑफ हेनले में एंटर किया 400 हो गया कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि वाटर बाहर निकल रहा है। और नीचे गए और वाटर बाहर निकला 600 हो गया, और नीचे वाटर निकला तो कॉन्सेंट्रेशन 800 हो गया, देन 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर के, दैट इज दी हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन जो हमको यहां पर देखने मिला, क्योंकि यहां पर लगातार वाटर बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब ये जो वाटर बाहर लगातार निकल रहा है, ये वाटर निकल के जा कहां रहा है, ये वाटर निकल के बाहर जा रहा है कहां पे, ये जा रहा है, ये वाटर बाहर जा रहा है कहां पर, वासा रेक्टा में। और इंटरेस्टिंग बात है, एकदम दिमाग में साफ साफ दिमाग में इमेज रखना, इंटरेस्टिंग बात ये होती है बेटा कि ये भी एनसीईआरटी का फिगर 19.6 के, इंटरेस्टिंग बात होती है कि लूप ऑफ हेनले में यदि लूप ऑफ हेनले में डायरेक्शन जो है वो फिल्ट्रेट का ऐसा ऐसा ही होता है, ऐसा डायरेक्शन है लूप ऑफ हेनले में, ठीक है, तो जो वासा रेक्टा होती है साथ लगी उसका डायरेक्शन ऐसा होता है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वासा रेक्टा में ब्लड फ्लो का डायरेक्शन है, ठीक है ना, देखिए है ना, काउंटर करेंट है ना, ठीक है। तो देखिए आप है ना, इसीलिए आप देखो एरो पे दो गौर करो, एरो पे गौर कीजिए आपके, तो हम क्या करें जैसे जैसे, और इंटरेस्टिंग बात है, जैसे जैसे जो है लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिम से वाटर बाहर निकलेगा कहां जाएगा वो, वासा रेक्टा में जाएगा। तो यहां पर यदि लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग लिम में ऊपर से नीचे आने पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो वासा रेक्टा में नीचे से ऊपर जाने पर कॉन्सेंट्रेशन घटेगा। वाटर कहां जा रहा है उसी में, देखिए इसके फ्लो का डायरेक्शन देखिए, यहां 1000 ये 1200 क्या आप देख रहे हैं, लगातार ये कॉन्सेंट्रेशन कम होता चला जा रहा है इसका, ठीक है ठीक है, क्योंकि वाटर अंदर आ रहा है, वाटर गया कहां, जो वाटर बाहर निकला वो वासा रेक्टा के अंदर वाटर गया, ठीक है। फिर आते हैं हम असेंडिंग लिम की बात करते हैं, असेंडिंग लिम में क्या हुआ, आप देखिए ध्यान से, आप क्या देख रहे हैं कि 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर जो है, मिली ऑस्मोल पर लीटर आपको दिखाई पड़ा हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन नेफ्रॉन के लूप ऑफ हेनले के सबसे निचले हिस्से में, देन उसके बाद अब असेंडिंग लिम शुरू हुआ, तो अब क्या हो रहा है, अब सोडियम क्लोराइड यहां से बाहर निकलेगा, सोडियम क्लोराइड बाहर निकलेगा 900 600 400 300 एंड 200 के, अब देखिए अब लगातार क्या हो रहा है, अब उल्टा अब क्या हो रहा है कि जो फिल्ट्रेट था उससे सॉल्ट को बाहर निकाल रहे हैं, सॉल्ट को लगातार आप बाहर निकल रहे हैं, और वो सॉल्ट के लगातार बाहर निकलने पे वो सॉल्ट कहाँ जा रहा है, वो सॉल्ट जो है वो, अब देखो इसके अलावा मैं हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो सॉल्ट जो है वो बाहर जा रहा है और वो मेडुलरी इंटरस्टीशियम के अंदर प्रेजेंट के, और डिसेंडिंग लिम से जो असेंडिंग लिम से सॉल्ट का कुछ हिस्सा जो है वो आपके वासा रेक्टा में भी वो इंटर कर रहा है। अब इंटरेस्टिंग देखिए, वासा रेक्टा में इंटर किया तो क्या हुआ, देखो ये सोडियम क्लोराइड को बाहर निकल, ये सोडियम क्लोराइड को ये बाहर निकल रहा है, ये सोडियम क्लोराइड यहां पर इंटर कर रहा है, यहां पर इंटर कर रहा है, लगातार इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन यहां हुआ उसका। अब जो वाटर बाहर निकल रहा है तो इसका मजा क्या है, मजा ये है कि वासा रेक्टा में हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन बना रहेगा, क्यों बना रहेगा उसमें, क्योंकि उसके पीछे कारण है कि उसको लगातार वाटर चाहिए किससे, डिसेंडिंग लिम से, और वासा रेक्टा में जो हाई कॉन्सेंट्रेशन बना हुआ है वो कौन बना के रखा है उसको, जो असेंडिंग लिम से सोडियम क्लोराइड बाहर निकल रहा है वो वासा रेक्टा में अंदर इंटर कर रहा है। देखिए यहां का सॉल्ट निकल के वासा रेक्टा में चला गया, अब वासा रेक्टा में हाई सॉल्ट हो गया तो वो कह रहा है डिसेंडिंग लिम से कि वाटर दो हमको, वाटर चाहिए हमको के, तो वाटर उसके अंदर आ गया। तो ये यदि ये मैकेनिज्म जो है इस प्रकार से ऑपरेट ना होता ना तो यूरिन कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता। सोचिए, बिल्कुल दिमाग लाइए, एकदम सोचिए, खुले दिमाग से सोचिए, आप क्या हो रहा है बेटा कि आप देख रहे हो कि वासा रेक्टा वाटर क्यों ले रहा है, क्योंकि डिसेंडिंग लिम वाटर को बाहर निकाल रहा है, लेकिन डिसेंडिंग लिम वाटर को बाहर निकाल रहा है उसके बावजूद वासा रेक्टा वाटर को क्लेम क्यों कर रहा है, हो सकता है वाटर आसपास कहीं प्रेजेंट रहता,
क्यों? क्यों? क्योंकि वासा रेक्टा के अंदर भी हाई कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है। अब वासा रेक्टा में जो हाई कॉन्सेंट्रेशन है वो कहां से आया? क्योंकि जो असेंडिंग लिम्ब रूपों फैलने का, वो सॉल्ट को बाहर निकाल रहा है और वो सॉल्ट वासा रेक्टा के अंदर जा रहा है, ठीक है, तो वो सॉल्ट के कारण कॉन्सेंट्रेशन हायर हो गया इसका, इसीलिए एक अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। जो फिल्ट्रेट का फ्लो है वो यहां से यहां है, ब्लड का फ्लो यहां से यहां है, ताकि यहां जो निकले वो इसके अंदर जाए और ये एक इंपैक्ट को लगातार बनाए रखे, है ना। देखिए आप अब इमेज को बड़े ध्यान से ठंडे दिमाग से देखिए आप, एंड यू विल गेट ऑल द आंसर कि जो एरो का डायरेक्शन है ना वो सारी कहानी कहता है अपने आप में कि क्यों वासा रेक्टा में हाई कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन है लगातार और क्यों जो है वो डिसेंडिंग और असेंडिंग लगातार काम कर रहे होते हैं। देखिए डिसेंडिंग लिम जो है वाटर को बाहर निकालेगा, वो वाटर वासा रेक्टा में जाएगा, वासा रेक्टा में वाटर इसलिए जाएगा क्योंकि उसके पास में हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है। और वासा रेक्टा में हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कहां से आया? क्योंकि जो असेंडिंग लिम लूप फैलने उसने सोडियम क्लोराइड को बाहर रिलीज किया, वो वासा रेक्टा के अंदर गया लगातार, है ना, ठीक है ना, मजेदार बात। चलिए तो ये हमने जो है वो एनसीईआरटी का फिगर 19.6 को बड़े ध्यान से देखिएगा जो बता रहा हूं। ओके, तो सोडियम क्लोराइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले व्हिच इज एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। के देखिए है ना, तो वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब क्या हो गई? दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा एंड दिस इज द असेंडिंग लिम्ब ऑफ वाटर वासा रेक्टा के, और दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले एंड दिस इज द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले। देखिए वेरी वेरी जो इमेज है ना उसको कोरिलेट करते हुए पढ़िएगा। के सोडियम क्लोराइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले व्हिच इज एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द वासा रेक्टा के, एंड यहां से सोडियम क्लोराइड ये निकला और ये इसके पास यहां चला गया, यहां पे चला गया, ठीक है, क्लियर, ठीक। सोडियम क्लोराइड इज रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ द वासा रेक्टा के, वासा रेक्टा का जो असेंडिंग पोर्शन है वो सोडियम क्लोराइड को वापस से इंटरस्टिशियम में डाल देगा। देखिए डाला है इसने, कहां डाला इसने, देखो यहां पे डाला, ठीक है, वापस से एरो देखिए ध्यान के, एरो ध्यान से देखिए आपके, देखिए ना इस एरो की बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं, ये सॉल्ट को उसने वा, तो इसीलिए जो सोडियम क्लोराइड निकला ना वो कहां रह गया? वो मेडुला में रह गया वो तो। अरे एक ने निकाला, एक ने लिया और वापस छोड़ दिया उसको, इसलिए हमने क्या लिखा था? मैंने लिखा था कि सोडियम क्लोराइड और यूरिया जो है वो मेडुला के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रखते हैं, क्लियर, ठीक है ना। अब हम समझ गए, हमने कहा कि सोडियम क्लोराइड इज रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ द वासा रेक्टा, ठीक है। सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इंटर द थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेनलेस लूप which is transported back to the interstitium by the collecting tubule के, क्या लिखा है? इसी प्रकार small amount of urea enter the thin segment of the ascending loop of Henle which is transported back to the interstitium by the collecting tubule के, तो क्या कहा हमने? कहा कि जो collecting tubule है वो interstitium में urea को release करता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जो ascending loop of Henle है वो कुछ मात्रा में urea को अपने पास return करता है और यही urea को जो है बाद में collecting duct वापस से interstitium के अंदर वो छोड़ देता है। तो urea और sodium chloride are very important to maintain the high osmolality in the medullary interstitium, clear, ठीक है। तो देखिए फिगर 19.6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, ठीक है, जो आपके काउंटर करंट मैकेनिज्म को जो समझाता है बेटा, ठीक है। तो देखिए अंदर से कि मैंने आपसे कहा ना कि क्या हो रहा है बेटा, ये देखो ये जो है वो इनर मेडुला में ये यूरिया को रिलीज कर रहा है और देखो आप ये वाटर निकला बाहर और ये सोडियम क्लोराइड बाहर निकला, वासा रेक्टा के अंदर गया, ठीक है, और सोडियम वासा रेक्टा ने इसको बाहर से वापस से बाहर रिलीज भी कर दिया आउटर मेडुला में, ठीक है, क्लियर है ना। देन अब है ना एरो देखिए बेटा और समझिए बात, ओके। तो हमने आपसे क्या कहा? हमने आपसे कहा कि किस प्रकार से जो है वो इसका फ्लो होता है, तो यूरिया जो है वो कलेक्टिंग डक्ट से बाहर निकलता है और असेंडिंग लिम्ब में एंटर करेगा और असेंडिंग लिम्ब बाद में यूरिया को वापस से रिलीज कर देगा वो, ठीक है। तो लगातार है ना ये जो यूरिया है क्या होगा, ये यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से आया, असेंडिंग लिम्ब के अंदर गया, ये आगे गया, आगे आगे इसे कलेक्टिंग डक्ट में डाला, फिर से यूरिया बाहर गया, है ना, ये यूरिया गोल गोल घूम रहा है, ये यूरिया गोल गोल घूम रहा है कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया का जो हाई कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रखने में रोल प्ले करता है, ठीक है, क्लियर। The above described transport of substance facilitated by a special arrangement of Henle's loop and वासा रेक्टा is called the counter current mechanism के, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम counter current mechanism कहते हैं। तो जो हमने अरेंजमेंट देखा बेटा ये क्या है, ये इस पर ये लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा के बीच में किस प्रकार से सॉल्ट का एक्शन हो रहा है, किस प्रकार से वाटर का एक्शन हो रहा है, कैसे यूरिया रोल प्ले कर रहा है, तो ये सब क्या है, ये सब काउंटर करेंट मैकेनिज्म को शो करता है। दिस हेल्प टू मेंटेन ए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम के,
कितना मजेदार। आप देखिए कलेक्टिंग डक्ट में यूरिया आया, यूरिया को उसने बाहर छोड़ा, यूरिया कहां गया जो है वो असेंडिंग लिम्फ लूपो फैलने में गया, असेंडिंग लिम्फ लूपो फैलने कहां गया वो डीसीटी के पास गया, डिस्टल कम्युनिटी ट्यूबुल के पास गया, डीसीटी ने यूरिया कहां डाल दिया उसने, फिर से यूरिया डाल दिया उसने कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट से कुछ यूरिया फिर बाहर निकला, फिर आ गया, लगातार यूरिया घूम रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि मेडुला के अंदरूनी हिस्से में यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन एक मेंटेन है जो ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखे हाई साइड। फिर जो सॉल्ट बाहर निकल रहा है, सोडियम क्लोराइड बाहर निकल रहा है असेंडिंग लिम्फ लूपो फैलने से, वो वासरेक्टा में जाने के वो वासरेक्टा में चला जाता है। लेकिन वासा रेक्टा क्या करता है, जो उसका असेंडिंग पार्ट है वहां से सोडियम क्लोराइड को वापस रिलीज करता है, तो वाटर सोडियम क्लोराइड आ रहा है और लगातार मेंटेन है। तो सोडियम क्लोराइड और यूरिया मेडुला के अंदरूनी भाग में हाई कॉन्सेंट्रेशन को वो बनाए रखते हैं। ठीक है, क्लियर। द काउंटर करंट टर्म डिराइव फ्रॉम द फॉर्म एंड द फंक्शन ऑफ द लूप ऑफ हेनले व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल लिम्स ऑफ रीनल ट्यूब्यूल कंटेनिंग रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन सेपरेटेड बाय द इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ द रीनल मेडुला। के तो हमेशा क्या होता है बेटा, जैसे मैंने कहा ये लूप ऑफ हेनले है, ये लूप ऑफ हेनले हो गया, ठीक है, ये हो गया है वासा रेक्टा, ये दिस इज दी वासा रेक्टा, ठीक है। डायरेक्शन वाइज मैं कहता हूँ आपसे कि इसका डायरेक्शन यहाँ से ये यहाँ डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन यहाँ से यहाँ है, ठीक है। तो इसके बीच में यहाँ पे जो टिश्यू होगा वो क्या होगा, वो होगा वो होगा यहाँ पर, ये होगा ये दिस इज दी इंटरस्टिशियम टिश्यू होगा प्रेजेंट यहाँ पे, ठीक है ना, यही लिखा है यहाँ पे। बिल्कुल बेटा वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ मैं, वर्ड टू वर्ड के। अब ये मत बोलना सर एनसीईआरटी के बाहर भी बहुत सारा ज्ञान हमारी कोचिंग वाले हमको दे रहे हैं, तो भैया वो दे रहे हैं तो उनका ज्ञान उनके पास रहने दीजिए, हमारी बात सुनिए कि हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं और यही एग्जाम में आएगा, इसके बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर। कई किसी ने मुझसे कल जो है वो फरमाइशी प्रोग्राम होता ना, जैसे वो पहले के जमाने में रेडियो में आता था, रेडियो में, कि आज भी रेडियो में आता हुआ विविध भारती में कि गुरदासपुर से ये गाना सुनना चाहते हैं, ठीक है, फला व्यक्ति कि राम प्रसाद, राम अवतार, राम प्रसाद, ठीक है, मोहम्मद इस्माइल, किंसाफुद्दीन, ये जो है वो फला फिल्म का फला गाना सुनना चाहते हैं, तो फिर गाना बजने लगता है रेडियो में। ऐसे कुछ लोग फरमाइश कर रहे हैं आजकल कि सर हमारा मेजर टेस्ट लिया है हमने एक कोचिंग में, एक कोचिंग का माइनर टेस्ट लिया है, उसके सिलेबस से मैच कराओ। तो भैया वो महान कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हम उनसे मैच नहीं कर सकते, हम छोटे लोग छोटे अकॉर्डिंग समझते हुए आगे बढ़ेंगे, इसलिए हम आपके फरमाइशी प्रोग्राम में को इंटरटेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमारा अपना सिलेबस है, हमारा अपना कोर्स कराने का तरीका है, हमारा अपना टेस्ट सीरीज है, वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है ना, ठीक। तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कि बेटा मैं नहीं कर सकता हुआ ना। चलिए, तो अभी मैंने क्या कहा आपसे कि हम एक बात समझ गए यहां पर कि सारा खेल इस बात का है कि कैसे हमने जो फिल्ट्रेट का फ्लो था, जो ब्लड का फ्लो था, उसके बीच कैसे हमने कॉन्सेंट्रेशन का एक्सचेंज किया और कैसे हमने जो है वो फिल्ट्रेट को, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट किया, ठीक है, ठीक। The descending limb of loop of Henle is permeable for water but impermeable for solute due to the presence of the ectoporin in its tubular wall. साफ साफ लिखा है, तो हमने क्या कहा, loop of Henle का जो descending limb है वो water के लिए permeable होता है और उसमें बड़ी संख्या में ectoporin होते हैं, लेकिन कोई भी solute इसके बाहर नहीं निकलता है, ठीक है, हमें मालूम ऑलरेडी के। फिर does water move across the tubular wall into the medullary space making the filtrate hypertonic है, इसीलिए जैसे descending limb loop of Henle medulla में enter करता है लगातार इससे water बाहर निकल रहा होता है, लगातार water बाहर निकलेगा तो जो filtrate था उसका concentration बढ़ जाएगा, hypertonic हो जाएगा और water का amount उसके अंदर कम होगा, और water का amount कम होगा हम बोलेंगे कि there is water potential decrease हो गया, water के बाहर निकलने की प्रवृत्ति को अब water potential कहते हैं और water potential इसका कम हो गया होता है, ठीक है, ठीक। Thus filtrate continue, this is the filtrate that continue to the ascending limb, okay? और यही वो filtrate होता है जो finally अधिक concentrated होने के बाद वो ascending limb में enter करेगा, ठीक है, ठीक। अब ascending limb में क्या होता है, ascending limb is impermeable to water क्योंकि इसमें ectoporin नहीं होते हैं, इसके अंदर ectoporin नहीं होते हैं, तो ये water के लिए impermeable है, but परमेबल टू सॉलिड, परंतु यहाँ पे सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम आयन को हम एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करके बाहर निकालते हैं, और बाहर निकाल कर कहाँ भेजते हैं, मेडुलरी स्पेस में भेजते हैं हमके, और इससे क्या होता है फिल्ट्रेट हो जाता है हाइपोटोनिक, उसका वाटर पोटेशियम बढ़ जाता है, एंड फिल्ट्रेट को उसका सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन आप धीमे धीमे कम करने लगते हो, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम को आप एक्टिवली बाहर भेज देते हो, ठीक है, ठीक। तो इसका मतलब इंटरस्टिशियम इज नाउ सॉल्टी और हाइपोटोनिक एंड विल अट्रैक्ट मोर वाटर, के अब क्या हुआ जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम था उसमें आपने सोडियम क्लोराइड पोटेशियम को छोड़ दिया है, उसका कॉन्सेंट्रेशन आपने बढ़ा दिया है, तो अब वो और वाटर मांगेगा, किससे वाटर मांगेगा, वो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, तो यूरिन लगातार वाटर बाहर निकलता रहेगा, ठीक है। फिर
दिस कॉन्स्टिट्यूट द सिंगल इफेक्ट ऑफ काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस के। तो इससे क्या प्रभाव पड़ा, इससे प्रभाव यह पड़ा कि लगातार मेडुला के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन हाइपरटॉनिक कंडीशन मेंटेन रहेगी, तो लगातार डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ एलएस से वाटर बाहर निकलता रहेगा। यदि ऐसा ना होता ना तो क्या होता, मेडुला का कॉन्सेंट्रेशन धीमे धीमे कम होने लगता, धीमे धीमे मेडुला कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगता, तो वाटर सेम कॉन्सेंट्रेशन वाटर बाहर नहीं निकल पाता। तो आपके मेडुला के अंदरूनी हिस्से का हाई कॉन्सेंट्रेशन में बना रहना इसलिए जरूरी है ताकि लगातार वाटर बाहर निकलता रहे डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ एलएस से। ठीक है, इसीलिए जो असेंडिंग लिम है वो सॉल्ट को बाहर निकालकर मेडुला के हाई कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रखता है। इसके अलावा कलेक्टिंग डक्ट जो है यूरिया कंट्रीब्यूट करता है हाई कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रखने के लिए। क्लियर? ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज आयन्स सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड फ्रॉम द थिक असेंडिंग लिम क्रिएट एन ऑस्मोटिक प्रेशर ड्राइंग वाटर फ्रॉम द डिसेंडिंग लिम। देखो यही मैंने कहा ना कि वो सॉल्ट जो बाहर निकले ना वो लगातार मेडुला में हाई कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखें, इसलिए वाटर को वो बाहर खींचता है। ठीक है, कहाँ से, डिसेंडिंग लिम से इन टू द हाइपर ऑस्मोरल मेडुलर स्पेस मेकिंग द फिल्ट्रेट हाइपरटॉनिक विथ ए लो वाटर पोटेंशियल। ठीक है, द काउंटर करेंट फ्लो विथ इन दी डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम दस इंक्रीजेज और मल्टीप्लाइज द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बिटवीन द ट्यूबुलर फ्लूइड एंड द इंटरस्टिशियल स्पेस के। तो इसका मतलब ये कि जो काउंटर करेंट फ्लो होता है उसके कारण क्या होता है बेटा, असेंडिंग लिम डिसेंडिंग लिम और जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है उनके बीच में कॉन्सेंट्रेशन में एक अंतर लगातार बना रहता है और इसी कारण से जो है वो वाटर को मोर एयर मोर बाहर निकाल पाते हैं, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट वो कर पाते हैं। तो सारा कुछ है, सारा कॉन्सेंट्रेशन की कहाँ पर 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर रहेगा, कहाँ पर 600 मिली ऑस्मोल पर लीटर रहेगा, इट इज डिसाइडेड बाय दिस काउंटर करंट मैकेनिज्म से ये डिसाइड कर होता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमने कहा प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट। अब ये इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट क्या है, ये मेडुला के अंदर जो हाई कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन है एंड मेडुला का अंदरूनी हिस्से में मोर कॉन्सेंट्रेशन है, ऊपरी हिस्से में आउटर मेडुला में कंपैरेटिवली लेस कॉन्सेंट्रेशन है और कॉर्टेक्स में सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, तो ये जो इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट है ये वाटर के बाहर निकलने में हेल्प करता है और फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल दस द कॉन्सेंट्रेट दी फिल्ट्रेट और यूरिन के। कलेक्टिंग डक्ट कहां से गुजर रहा है, कलेक्टिंग डक्ट भी गुजरता कहां से, मेडुला के गहरे हिस्से से, सबसे गहरे हिस्से से गुजरता है कलेक्टिंग डक्ट और कहां जाके मिलता है, माइनर कलाइसिस में जाके खुलता है। अब ये माइनर कलाइसिस क्या है, इसलिए मैंने किडनी का स्ट्रक्चर बड़े ध्यान से पढ़ाया था, पढ़ के देखना जहां पे रीनल मेडुला बना है ना बेटा कॉनिकल सा, वहां पे मैंने लिखा हुआ ऐसा ऐसा बना है यहां पर के कॉनिकल प्लान, वहां पे मैंने माइनर कैलिक्स लिखा है। तो जो कलेक्टिंग डक्ट होते हैं वो माइनर कैलिक्स में आके खुलते हैं, तो कलेक्टिंग डक्ट मेडुला के सबसे गहरे हिस्से से निकलते हैं और वहां पे सबसे हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो कलेक्टिंग डक्ट से भी वाटर को बाहर ले लिया जाता है थ्रू दी मेडुला। ठीक है, और यूरिन हो जाता है कॉन्सेंट्रेट। देखिए ध्यान से, प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडिएंट हेल्प एन इजी पासेज ऑफ वाटर फ्रॉम दी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल देर बाय कॉन्सेंट्रेटिंग दी फिल्ट्रेट और यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करता है। ठीक है, ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 times कॉन्सेंट्रेट देन दी इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म के। तो मनुष्य की ह्यूमन किडनी जो होती है जो इनिशियल फिल्ट्रेट जो बनता है उसकी तुलना में 4 times अधिक कॉन्सेंट्रेट यूरिन को ह्यूमन रिलीज करते हैं। तो इनिशियल फिल्ट्रेट की तुलना में यूरिन जो है वो 4 times मोर कॉन्सेंट्रेट होती है। ठीक है, देखिए आप ना, तो ये दिस इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट इमेज के जो पूरी काउंटर करंट की मैकेनिज्म को आपको समझाता है बेटा। ठीक है ना, क्लियर? तो आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि लगातार जो है वो देखो ये जो है वो वाटर को बाहर निकाल रहा है, ये वाटर कहाँ गया, वाशर एक्टा में वाटर गया, सॉल्ट बाहर निकल रहा है वाशर एक्टा में गए, लेकिन होता क्या है लगातार और वाशर एक्टा ने आगे जाके सॉल्ट को रिलीज भी कर दिया। ठीक है, देखिए इमेज में, तो लगातार ये कॉन्सेंट्रेशन बना रहता है। ठीक है, डिफरेंस बना रहता है और यही होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है ना, चलिए तो आज जो हिस्सा देखा हमने वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम। कई बार पढ़ोगे ना समझ में नहीं आएगा, कई बार जो है हम सोचते हैं ये क्या है, कितना बोर है जीव सके, जबकि पूरा का पूरा फिनोमेना बड़ा इंटरेस्टिंग है, कहाँ बोर है बताओ मेरे को। के लेक्चर में मैंने कोशिश की, तब भी आपको लगता है कि कोई बात नहीं समझ आई, तो मैं दोबारा कोशिश कर लूंगा बेटा इसको। लेकिन ये है कि समझना है, अच्छे से समझना है और उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। तो चलिए ठीक है, आज इतना ही काफी है। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा इसलिए क्योंकि आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, इमेज को गौर से देखना है और जो समझ में नहीं आता है लेक्चर का वो हिस्सा दोबारा देखना है आपको। समझ गए बात को, ओके? हर बच्चा परफेक्ट रहेगा कोई क्वेश्चन दूंगा डीपीपी के अंदर, है ना? ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और भूलना नहीं है। क्या नहीं भूलना बेटा, ये सपने नहीं आग है, ये सिर्फ वादे नहीं इरादे हैं। ठीक है, नहीं भूलेंगे ना। ऑल द बेस्ट। चलिए
तो फाइनली आपने लेक्चर को अच्छे से समझा, आप समझ चुके हैं कि काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है ना। और अच्छा सर बताइए, समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, ठीक, किसी हिस्से में कोई डाउट हो तो कमेंट में बता दीजिएगा बेटा, तो नेक्स्ट क्लास के पहले मैं उस पर बात कर लूंगा आपसे मैं। लेकिन मुझे लगता नहीं बेटा, को कारण ये है कि हमने चीजों को बिल्कुल सिंपलीफाइड तरीके से समझने की हमने कोशिश की है, और वो समझना पड़ेगा बेटा, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, अदरवाइज क्या है, हम चीजों को रट कर आप एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं। इतना बड़ा एग्जाम है, इसको निकालने के लिए चीजों को समझना बहुत जरूरी है बेटा। चलिए तो हम एमसीक्यू पर लौट के आते हैं। तो आज का जो फर्स्ट एमसीक्यू है, के देखो बेटा, जितने भी एमसीक्यू अभी हम ले रहे हैं सब जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम के, सारे के सारे क्या है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो, ठीक है ना। ठीक, तो आपके सामने क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स द करेक्ट कैटेगराइजेशन ऑफ सिक्स एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ नाइट्रोजन वेस्टेज ए बी सी दे आर गिवन आउट। अब देखो बेटा, क्योंकि पिछले कुछ एक दो सालों से क्या हो रहा है कि पेपर जो है बिल्कुल एनसीईआरटी पर बेस्ट पेपर बन रहा है, तो फिर वो क्या करते हैं, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा वो जो है कॉम्प्लीट करने की कोशिश करते हैं। आपको उसने बोला है कि छह एनिमल्स का ग्रुप दे रखा है हमने यहाँ पे, उनको सही प्रकार से कैटेगराइज कीजिए कि कौन सा अमोनोटेलिक में आता है, कौन सा यूरोटेलिक में आता है, कौन सा यूरिकोटेलिक में आता है। अमोनोटेलिक का मतलब जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, यूरोटेलिक हो गया, और जो यूरिकोटेलिक क्या हो गया, जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। देखते हैं, देखो अब हम कैसे कैंसिल कर रहे हैं, ऑप्शन को देखा हमने, ऑप्शन ए देखा, ह्यूमंस अमोनोटेलिक नहीं होते हैं, मालूम है हमको ह्यूमंस यूरिया रिलीज करते हैं, तो ये तो गलत है ना, ऑप्शन ए पूरा ही गलत हो गया ये। ठीक है, ऑप्शन बी पे हम आए, तो फ्रॉग लिखा है उन्होंने, लिजार्ड छिपकली यूरिक एसिड रिलीज करता है बेटा, और जो है वो रेप्टाइल्स होते हैं, फ्रॉग जो है वो यूरिया रिलीज करता, तो ये भी गलत हो गया बेटा। ठीक है ना, एक्वाटिक एम्फीबिया अमोनिया रिलीज करते हैं, यूरिया रिलीज नहीं करते, ये भी गलत हो गया। ह्यूमंस जो होते हैं यूरिया रिलीज करता है, ये सही है, लेकिन ओवरऑल हमको पूरा सेट मैच करना है तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा, अमोनोटेलिक जो होते हैं एक्वाटिक एम्फीबिया, बिल्कुल सही बात है, जो एक्वाटिक एम्फीबिया होते हैं, जैसे टेडपोल की बात करें हम, के एक्वाटिक एम्फीबिया वो अमोनिया को रिलीज करते हैं। यूरिया फ्रॉग हो गया, ह्यूमंस हो गया, यूरिया हो गया। ठीक है, फिर पिजन बर्ड्स की बात करें, लिजार्ड हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा, हम बात कर रहे हैं लिजार्ड में, हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा, रेप्टाइल्स की बात करें, एंड कॉकरोच हम इंसेक्ट की बात करते हैं, हमने कहा इनमें क्या होगा, इनमें हो गया यूरिक एसिड हो गया इनमें। ठीक है ना, ठीक, तो आंसर सी इज राइट, करेक्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर, के एक्वाटिक एम्फीबिया अमोनोटेलिक ये सही है, कॉकरोच ह्यूमंस यूरोटेलिक, कॉकरोच जो है यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं बेटा, के फ्रॉग जो होता है ये यूरिया रिलीज करता है, यूरिक एसिड रिलीज नहीं करता है। ठीक है ना, ठीक, तो इसका मतलब ये वाला गलत हो गया ऑप्शन। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है बेटा, आपको बिल्कुल एकदम आपको क्लियर रहना चाहिए फंडा आपको, कि कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो यूरोटेलिक में आते हैं, कौन से यूरिकोटेलिक में आते हैं, कौन से अमोनोटेलिक में आते हैं, तो ये फंडा एकदम क्लियर रहना चाहिए। ठीक है ना, और ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं कुछ बच्चे जो है एनसीईआरटी के एक स्टेटमेंट से कंफ्यूज हुए कि अमोनियम आयन फिश जो है वो अमोनिया को अमोनियम आयन के रूप में रिलीज करता है, तो एक्चुअली वो एनसीईआरटी का जो स्टेटमेंट है वो एक प्रकार से वेग स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्योंकि सारी मछलियां जो है सारी मछलियां अमोनिया रिलीज नहीं करती हैं, केवल बोनी फिशेज अमोनिया रिलीज करती है, जबकि कार्टिलेजस फिशेज जो होती है वो यूरिया रिलीज करती है बेटा। ठीक है ना, ठीक, आगे उसी एनसीईआरटी में आगे चीजों को एक्सप्लेन किया गया, चाहे हम बात करें तो एक्चुअली क्या है बेटा, कुछ स्टेटमेंट ऐसे एनसीईआरटी के जो कंफ्यूजिंग है, गलत है, मतलब गलत का मतलब कि रफ वेगली लिख दिए गए हैं। ओके, तो आप में से कई बच्चों का बोला सर वैसा का वैसा आ गया, तो अब देखो अब उसमें हम कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतनी सी बात है कि फंडामेंटली हमको बिल्कुल सही रहना पड़ेगा हमको। ठीक है ना, क्लियर, तो अब ये है कि बोनी अब केवल फिश ऑप्शन में हो वहाँ पे, और बाकी एम्फीबिया दे रखा हो वहाँ पर, जो है आपका मैमल्स दे रखा हो, वर्ड्स दे रखा हो, तो आप फिश आंसर लगा दीजिएगा कि अमोनिया को रिलीज करके अमोनियम आयन के फॉर्म में ये लगा देते। लेकिन जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था पहले वाले जो है वो एमसीक्यू सीरीज एमसीक्यू के फर्स्ट पार्ट में, जो हमने पहले 10 क्वेश्चन में, तो उसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा बेटा। ठीक है ना, आंसर सही है, AIPMT का आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यूरिक एसिड इज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ, के किसमें यूरिक एसिड जो है किसमें एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है बेटा। ठीक है, देखो बेटा है ना, अब कॉकरोच में यूरिक एसिड होता है, अभी देखा हमने, स्पैरो चिड़िया में, वर्ड्स में होता है, रेप्टाइल्स में होता है, मैन में क्या होता है, यूरिया होता है। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया, ए बी सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सबसे फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक, अमोनोटेलिक, इसलिए देखो आप बार बार देख रहे हो ना, आप अलग अलग फॉर्मेट में क्वेश्चन आता चला जा रहा है। ठीक है ना, और हमने इस बार जो है आपके यहां पर हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पिछले 10 साल के हम जो है तमाम एग्जाम, पहले तो अभी तो केवल नीट होता है, पहले दूसरे एग्जाम भी होते थे, तो वो क्वेश्चन भी शामिल कर लिए हमने, ताकि मालूम चले हमें कि एग्जामिनर का रेंज कहां तक था इस चैप्टर में। ठीक है, फिर
क्वेश्चन नंबर थ्री, ए फ्रेश वाटर फिश मेंटेन ऑस्मो रेगुलेशन बाय, एक फ्रेश वाटर फिश जो है वो कैसे अपना ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो मेंटेन करती है, बताइए आपके यानी कैसे मेंटेन करेगी। देखो बेटा सिंपल सी बात है, फ्रेश वाटर फिश है मतलब वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है, उसमें सॉल्यूट कम है, तो मतलब वाटर जो है वो फिश की तुलना में बॉडी में, हम जनरली क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं कि फिश वाटर को अपने अंदर लेती है, बॉडी में वाटर को अपना अंदर लेगी उठ के, यानी उसको कैसे मिलता है, जो जो ऑक्सीजन है वो गिल्स के थ्रू ही मिलता है बेटा उसको, ठीक है। तो जो फ्रेश वाटर फिश होती है उनमें वाटर जो है अधिक मात्रा में बॉडी के अंदर आ जाता है, तो उस एक्सेसिव वाटर को उन्हें बाहर रिलीज करना पड़ता है, ठीक है, और अपने ऑस्मो रेगुलेशन को बनाए रखने के लिए बाहर से कुछ सॉल्ट को उन्हें एक्टिवली भी अंदर लेना पड़ता है, थ्रू गिल्स भी इसमें रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या मतलब आंसर क्या आएगा इसका, कंटिन्यूसली टेकिंग इन वाटर एंड इलिमिटिंग एक्सेस ऑफ सॉल्ट, ठीक है। देखो बेटा फ्रेश वाटर फिश कंटिन्यूसली वाटर टेक नहीं करती है, जो है एक्सेस सॉल्ट को इलिमिनेट करती है, ये तो सही बात है, ठीक है, इलिमिनेट करती ये कर सकती है एक्सेस सॉल्ट को, जनरली इनमें एक्सेस सॉल्ट इसलिए जो है वो अपने अंदर ये एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखती है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि सेल अपने एक निश्चित कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने की कोशिश करती है, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन, तो ये वाला ऑप्शन जो है बेटा इसमें कंटिन्यूअस टेकिंग नहीं होता है, गलत आंसर है, क्योंकि फ्रेश वाटर फिश के पास एक्सेस वाटर अंदर आता है बॉडी में उसकी, तो उसको उस एक्सेस वाटर को बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि उसके टिश्यू जब जब भी वाटर संपर्क में आएगा तो वो अंदर आने, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है मेम्ब्रेन है, तो वो सिंपल जो डिफ्यूजन वाटर डिफ्यूजन के अंदर आने की कोशिश करेगा वो, ठीक है। तो फिश को लगातार प्रयास क्या करना पड़ेगा, उसे इलिमिनेटिंग एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर को उसे इलिमिनेट करना पड़ेगा, टेकिंग अप सॉल्ट फ्रॉम द एनवायरनमेंट के, और अपने कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, अपने इनर कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए बाहर से वो एनवायरनमेंट से जो एक्वाटिक एनवायरनमेंट है वहां से वो सॉल्ट भी लेगी। दिस इज द राइट स्टेटमेंट। फिर देखते हैं बाकी तीसरा क्या गलत है, टेकिंग बोथ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द एनवायरनमेंट के, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, लेकिन क्या होता है कि मैंने पहले भी आपसे कहा ना, फ्रेश वाटर फिश में वाटर जो है बाहर से अपने आप ही अंदर आता है बॉडी के अंदर, ठीक है, इसलिए स्केल्स, इसलिए मछलियों में स्केल्स होते हैं जो पानी से भीगते नहीं है, ठीक है ना, लेकिन जैसे ही वो अब वो अपने मुंह से गिल से वो वाटर पानी को अंदर लेगा अपने, ठीक है, अपने फूड को लेगा वो, तो वो एक्सेस वाटर उसके अंदर आएगा, उसको बाहर से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इज नॉट परफेक्टली ऑल राइट, इलिमिनेटिंग बोथ सॉल्ट एंड वाटर इन टू द, अब देखो लेना बाहर निकालना के ये तो एक जैसी चीजें होगी ना ऑलमोस्ट, कि सॉल्ट को वाटर को एक्सेस को अंदर लिया एक्सेस को बाहर निकाला, तो एक्चुअली में क्या होता है बेटा बिल्कुल, अब यहां पर क्या है, यहां पर यदि आप देखेंगे तो ऑप्शन आर नॉट वेरी क्लियर, कि यहां पर ऑप्शन आर नॉट वेरी क्लियर, नॉट वेरी क्लियर, साफ साफ ऑप्शन यहां पर नहीं दे रखे हैं, एंड आपको क्या करना है, आपको इसमें से बेस्ट आंसर चुनना है, और एग्जाम में ऐसा होता है हम लड़ते हैं, हम एग्जामिनर को बोलते हैं उसने ऐसा कर दिया, हम खुद लड़ते हैं आपस में कि ये गलत है सर इसका आंसर ये होना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि समटाइम देयर आर द क्वेश्चन, यहां पे चारों ऑप्शन परफेक्ट नहीं है, एक आपको मोर करेक्ट चुनना होता है, चारों सही है एक ज्यादा करेक्ट चुनिए, चारों सही चारों गलत है तो कम गलत चुनिए। तो आंसर इज दैट कि फ्रेश वाटर फिश क्या करती है बेटा, ये जो है जो एक्सेस वाटर की बॉडी में आता है, जो कि ये फ्रेश वाटर फिश है, इसका कॉन्सेंट्रेशन सेल का अधिक होता है बाहर से, तो एंडोस्मोसिस से मोर वाटर अंदर रह जाएगा बॉडी के अंदर, तो उसको इसे वो जो है बाहर निकालना पड़ेगा, साथ में अपने कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए बाहर से सॉल्ट भी लेने पड़ेंगे, तो बी इज द मोर करेक्ट आंसर, ठीक है ना, क्लियर। चलिए फिर अब क्वेश्चन नंबर फोर, अब देखिए अब ये जो क्वेश्चन है ये आर्म फोर्स मेडिकल एएफएमसी का क्वेश्चन है, ठीक है, पहले के एएफएमसी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, पर मैंने ले लिया इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये इकोलॉजी वाले हिस्से ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से भी जुड़ता है, ठीक है, इकोसिस्टम से भी जुड़ता है, ये क्वेश्चन जो है आपका एक्सक्रीट सिस्टम से भी जुड़ता है, एनिमल किंगडम से भी जुड़ता है क्वेश्चन, ठीक है। अब कंसिडर दी फॉलोइंग वाटर कंजर्वेशन मैकेनिज्म, अब आपने देखा नंबर एक लिखा नेजल काउंटर करेंट मैकेनिज्म, किडनी में तो सुना था पर ये नेजल एपिथेलियम में कहां से आ गया, नेजल एपिथेलियम में काउंटर करंट मैकेनिज्म के, डिपेंडेंस ऑन मेटाबॉलिक वाटर, मेटाबॉलिक वाटर वो वाटर होता है जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जनरेट होता है, हाईली हाइपरटॉनिक यूरिन, मतलब यूरिन के अंदर जो है वो वाटर की मात्रा कम से कम होती है, यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन काफी अधिक होता है, लिविंग ऑन मोर प्रोटीन रिच डाइट, याद रखिएगा प्रोटीन रिच डाइट नीड्स मोर वाटर टू, यानी जो प्रोटीन जो जिस डाइट में प्रोटीन काफी अधिक होता है उस प्रोटीन को इलिमिनेट करने के लिए जो है मोर वाटर प्रोटीन, जब जब आप आपको मैंने कई बार एक बात बताई भी है मैंने पहले भी कि
ज्यादा प्रोटीन लेने पर क्या होता है कि उस प्रोटीन के अमाइनो एसिड जो है वो देखो प्रोटीन डाइजेस्ट होगा, अमाइनो एसिड को बॉडी एब्जॉर्ब करेगी और उन अमाइनो एसिड में से एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड को लीवर को जो है वो उसको डीएमिनेशन करेगा। डीएमिनेशन करेगा तो अमोनिया बाहर निकलेगी और उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसी कंडीशन में इस पूरी प्रोसेस में जो है वो मोर वाटर इज रिक्वायर्ड टू इलिमिनेट द मेटाबॉलिक वेस्टेज। तो प्रोटीन ऐसे जो एनिमल वाटर को कंजर्व करते हैं वो थोड़ा सा कम प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं वो, ठीक है, एक कॉमन फंडा है। मोर जितना अधिक आप प्रोटीन लेंगे उतना अधिक आपका अच्छा आपका वाटर का इंटेक होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर बात कर रहा है वो कंगारू रेट की बात कर रहा है, लिखा है द कंगारू रेट लिविंग इन डेजर्ट मरुस्थल में रहता है कैन सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। ये बगैर पानी अपने पूरे जीवन काल में कंगारू रेट अपने पूरे जीवन काल में कभी भी पानी को नहीं पीता है, वाटर नहीं पीता है, फिर जिंदा कैसे रहता है? क्योंकि इसके पास में बिल्कुल सही इसके पास में नजल काउंटर करंट मैकेनिज्म होती है। सोचिए नजल इपिथिलियम में काउंटर करंट मैकेनिज्म चल रही होती है जो किडनी की तुलना में मोर वाटर इफिशियंट होती है। इट इज मोर वाटर, अरे गूगल करके देख लेना, आप चिंता मत कीजिए, आप सोच रहे हो सर क्या बोल रहे हैं इसके। हाँ, नजल काउंटर करंट मैकेनिज्म कंगारू रेट में देखने मिलती है, इसके अलावा कुछ और एनिमल जो डेजर्ट में के लिए अडॉप्टेड होते हैं उनमें भी हमको ये देखने मिलती है इसके। फिर मेटाबॉलिक वाटर रेस्पिरेशन में जो वाटर बनता है CO2 प्लस H2O उस वाटर का यूज करते हैं, हाइपर ऑटोनिक यूरिन को यूज करते हैं लेकिन ये प्रोटीन रिच डाइट को नहीं लेते। तो आंसर इसका हो गया ABC, आंसर इज ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना, क्लियर। अब ये क्वेश्चन मान लो उन्होंने उठा के रिपीट कर दिया, अब ये क्वेश्चन क्या कंगारू रेट ये सब तो क्या ये ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट से भी जुड़ा हुआ है, एक्सक्रीटरी सिस्टम से भी जुड़ा हुआ है, तो बेटा हमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पूरे के पूरा अंदाजा रहना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट, सही कथन आपको चुनना है कि राइट स्टेटमेंट क्या है। इन फिशेज किडनी प्लेज ए मेजर रोल इन अमोनिया एक्सक्रीशन, गलत है बेटा, गिल्स होते हैं किडनी नहीं होते, इनमें गिल्स रोल प्ले करते हैं। अमोनिया इज वन लेग टाइप लेस टॉक्सिक देन यूरिया, गलत है, अमोनिया इज मोर टॉक्सिक देन यूरिया। शार्क रिटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिया इन द ब्लड एज ए मेजर ऑस्मोलाइट टू बैलेंस द ऑस्मोलिटी ऑफ दिस बॉडी फ्लूइड, बिल्कुल सही है, शार्क की बॉडी में बड़ी मात्रा में यूरिया जो है वो रहता है प्रेजेंट और ऐसा इसलिए होता है ताकि वो अपनी अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडिएंट को वो मेंटेन रख सके और जो है वो अपने 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 आप को ऑस्मो रेगुलेट वो कर सके। ये बात हम पहले भी हमने डिस्कस किया इसके बारे में, ठीक है। मोस्ट टेस्टल रेप्टाइल एक्सिट अमोनिया, गलत है, ये यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं, ठीक है, तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, अब यहां पे भी छोटी सिली मिस्टेक होती है, छोटी सी गलती करके आते हैं कि हम एक्सक्रीशन और डाइजेशन को एक समझ लेते हैं, ऐसा मत करना बेटा, कि कई बच्चे क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट, क्योंकि गलत आंसर है, इसको लगाते हैं, ऐसा मत कीजिए, कि यह होता है डिफिकेशन, डिफिकेशन होता है बेटा, ठीक है ना, ठीक है, मल त्याग करना, इसका रिमूवल ऑफ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी, गलत है, यूजफुल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी, ये होते हैं नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्टेज, ये नाइट्रोजन युक्त मेटाबॉलिक वेस्टेज होते हैं, इनको बॉडी से बाहर करना ही एक्सक्रीशन कहलाता है, दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, कौन से जो है वो अतिरिक्त है, किडनी के अलावा नेफ्रॉन के अलावा अतिरिक्त एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। स्किन इज ऑल्सो एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, लंग्स ऑल्सो एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, भाई CO2 को रिलीज करते हैं, स्किन भी एक्सेस वाटर और सॉल्ट को बाहर रिलीज कर देती है। लीवर इज ऑल्सो वाइल्ड पिगमेंट को रिलीज करते हैं, एक्सक्रीटरी में रोल प्ले करते हैं। सीबेशियस ग्लैंड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द एक्सक्रीशन, तो आंसर इसका हो गया ऑल ABCD, ठीक है, ये सब के सब जो है वो एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन में आते हैं बेटा, ठीक है ना, ठीक है, इवन द सीबेशियस ग्लैंड लिवर लंग्स एंड स्किन ऑल आर द एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है, क्लियर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अब बताओ किडनी लाइज पैरेलल टू, किडनी किन वर्टिब्रे की के समानांतर होती है, किडनी लाइज पैरेलल टू किडनी किन वर्टिब्रे के समानांतर होती है, तो यू शुड नो अबाउट दैट, आपको बताया हुआ है मैंने चेज के कहां होता है बेटा, ये 12 थोरसिक वर्टिब्रा से लेके फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लंबर तक जाती है, क्या, ठीक है, 12 थोरसिक वर्टिब्रा से फर्स्ट सेकंड थर्ड लंबर देखो ना आप, ठीक है ना, किडनी के यहां किसके समानांतर होते हैं कहा ना आपसे, ये देखो, ये दिख रहे हैं आप यहां पे दिखाई पड़ रहा है आपको, ये देखो है ना, ठीक है, 12 T12, ठीक है, एंड ये लुम्बर वर्टिब्रा 3 तक, क्या 1 2 3 है ना, लुम्बर वर्टिब्रा 3 तक ये पहुंच जाती है, ठीक है, क्लियर, चलिए। फिर ह्यूमन किडनी इज, अब ये ऐसा क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम
ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी, ये क्वेश्चन एम्ब्रियोलॉजी को बिलोंग करता है, ये क्वेश्चन एनिमल किंगडम को बिलोंग करता है, ये क्वेश्चन इकोलॉजी जो है वो एनवायरमेंट को बिलोंग करता है, ये क्वेश्चन जो है वो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम को बिलोंग करता है, मतलब ये मल्टी फैसेट क्वेश्चन है, कई चैप्टर का टच करता है। और ऐसे 5-6 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं बेटा इस तरह के, ठीक है। ह्यूमन किडनी क्या, मनुष्य की किडनी क्या होती है? अब आप बोलोगे सर इसका मतलब ही समझ में नहीं आ रहा हम गुट के, देखो बेटा ठीक है, आर्किन एफ्रिक मतलब प्रिमिटिव किडनी, के सबसे पहले जो किडनी के समान कोई स्ट्रक्चर वाला, उसे हम आर्किन एफ्रिक कहते हैं। और जब भी कभी जो है, जब भी कभी हम बात करते हैं बेटा कि जब भी किडनी का जो एम्ब्रियोलॉजिकल कंडीशन में भी किडनी जब इवॉल्व करती है ना, तो प्रोटोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक एंड देन मेटानेफ्रिक बनती है। तो मेटानेफ्रिक किडनी जो है सबसे एडवांस किडनी होती है, मोर इफिशियंट किडनी होती है, जो ह्यूमंस के अंदर हमको देखने मिलती है, मैमल्स में हमको देखने मिलती है, मैमल्स के अंदर मेटानेफ्रिक किडनी हमको देखने मिलती है, ठीक है। आप समझते हैं बात को, के देखो बेटा यदि हम जो है वो हम किडनी की बात करें तो 3 तरह की किडनी जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी जो एमनियोट्स होते हैं जिनमें एमनियोटिक कैविटी होती है बेटा, पढ़ा है ना हम लोगों ने के, जो है कहाँ पढ़ा हमने, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा हुआ है हमने, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में पढ़ा हुआ है हमने के। तो जो जो एमनियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उस दौरान किडनी के विकास के दौरान 3 अवस्थाएं देखने मिलती हैं, प्रोनेफ्रोस, मीजोनेफ्रोस और मेटानेफ्रिक, प्रोटोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और जो है वो मेटानेफ्रिक अवस्थाएं देखने मिलती है, ठीक। मेटानेफ्रोस जो होती है ये वो किडनी होती है जो जीवों के अंदर हमेशा बनने के बाद प्रेजेंट रहती है, प्रोटोनेफ्रोस जो है वो अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में बनती है, डिजनरेट कराती है, उसके बाद मीजोनेफ्रोस बनती है, देन फाइनली जो किडनी बॉडी में रिटेन करती रह जाती है वो होती है मेटानेफ्रिक किडनी होती है। देखिए जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो पहले प्रोनेफ्रोस बना, प्रोनेफ्रोस बना जिसने एक्सक्रीशन में रोल प्ले किया, उसके बाद मीजोनेफ्रोस बना और फाइनली किडनी का किडनी डेवलप हुई के फाइनली जो है आप देख रहे हो नेफ्रोजेनिक कॉर्ड बनी और इस नेफ्रोजेनिक कॉर्ड से जो है वो किडनी इवॉल्व की के, याद रखिए बैठ के, मतलब एम्ब्रियोलॉजिकल कंडीशन में जब एम्ब्रियो जब जो है किडनी बनती है ना तो प्रोटोनेफ्रोस, मीजोनेफ्रोस और मेटानेफ्रोस कंडीशन आती है, ठीक है। तो ये तो जो जहां पे है ना, देखो कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या था केवल इतना ही बन के रह गया, कुछ ऑर्गेनिज्म इतना ही बन के रह गया तो उनमें केवल मीजोनेफ्रिक किडनी देखने मिलेगी आपको, किसी में इतना ही बन के रह गया प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में उन्हें प्रोटोनेफ्रिक किडनी देखने मिलेगी, हमारे अंदर मेटानेफ्रिक किडनी हमको देखने मिलती है, ठीक है ना, क्लियर। देखिए है ना, मैमल्स की बात करें हम, वर्ड्स की बात करें हम के, एंड जो है वो जो है कुछ डेवलप्ड रेप्टाइल की बात करें तो हमको मेटानेफ्रिक किडनी देखने मिलती है, जबकि हम देख रहे हैं फिशेज में देख रहे हैं मीजोनेफ्रिक किडनी है, ठीक है। एम्फीबिया में मीजोनेफ्रिक किडनी हमको देखने मिल रही है बेटा के। तो ये सब क्या है, ये जो धीमे धीमे ग्रेजुअल हो रहे हैं, वॉर्म्स के अंदर देखें तो जो है वो प्रोटोनेफ्रिक कंडीशन हमको देखने मिलती है। तो धीमे धीमे हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किडनी का भी विकास हुआ है यहाँ पे। तो हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी बोलते हैं ना हम, कि जब जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है वो जीव विकास के इतिहास को भी दर्शाता है, तो वैसी हमारी किडनी जब इवॉल्व करती है तो प्रोटोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक स्टेज से वो गुजरती है, और मेटानेफ्रिक इज द फाइनल किडनी, क्लियर। तो अब याद रखना बेटा, भूलना नहीं है ना, ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था। यूरिया इज ट्रांसपोर्टेड बाय, अब यूरिया को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एक्सक्रीटरी सिस्टम, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के, एंड यूरिया को ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड का प्लाज्मा, आरबीसी थोड़ा ना यूरिया अंदर के, एंड जो कुछ भी ट्रांसपोर्ट होगा वो प्लाज्मा में घुलेगा, प्लाज्मा से किडनी तक पहुंचेगा वो ब्लड, एंड ये किडनी यदि ब्लड को प्यूरिफाई फिल्टर करती है तो बेसिकली प्लाज्मा को फिल्टर करती है वो, ठीक है ना। तो क्या आंसर इसका, ब्लड प्लाज्मा, क्लियर। चलिए तो हमने क्या किया बेटा, आज हमने 10 जो क्वेश्चन देखे हमने, तो उसमें हमने कुछ थोड़े से अलग अलग एंगल पे क्वेश्चन को देखा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास को जब मैं असाइन करूंगा बेटा, उसमें हम जो क्वेश्चन करेंगे पढ़ लेना चाहिए, साथ सॉल्व करना, तो हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो हमारे यूरिन फॉर्मेशन पर जुड़े से जुड़े क्वेश्चन होंगे और काउंटर करंट मैकेनिज्म से जुड़े क्वेश्चन होंगे। तो दो बेटा जो जो आपका लेक्चर नंबर 3 और 4 बहुत अच्छे से के, ठीक है, 3 और 4 बहुत अच्छे से बेटा एक बार उसको देख लेना, इवन किडनी का स्ट्रक्चर भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर। चलो तो अच्छे से जम के पढ़ो, अभी आपको अपनी एनर्जी को लूज नहीं करना। आप बोलोगे सर अभी देखो बेटा फिजिक्स का सिलेबस पूरा हो गया है, केमिस्ट्री का सिलेबस पूरा हो गया, सिर्फ बायोलॉजी का सिलेबस बचा है, वो चल रहा है अपनी स्पीड में, तो प्लीज थोड़े से लेक्चर का थोड़ा सा ऐसा होगा कि आपके कुछ लेक्चर जो है वो एक ही चैप्टर के 2-2 लेक्चर भी आएंगे, क्योंकि मैं तीसरा चैप्टर खोल दूंगा तो फिर आपको कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैं भी चाह रहा हूँ कि 2 चैप्टर पैरेलल चल रहे हैं अपने, वो चलते रहे, और आप थोड़ा सा बेटा ना आप 10 दिन मेरा साथ दीजिए, सिर्फ 10 दिन मेरा साथ दीजिए, हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा, फिर हम रिवाइज भी तो करेंगे इसको बेटा, है ना, ठीक है, सब कुछ नए सिरे से करेंगे। एक बार बार पूछूंगा मैं आपसे, बार बार कुछ लाइव सेशन भी लूंगा मैं आपके, इसमें आपसे मैं लाइव डाउट पूछूंगा, हम लाइव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना, तो मेहनत करते हैं बेटा, ठीक है, चलो ना, तो मिलते हैं अगली क्लास में।
Jedi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement cheats. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.